हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, हम बात करने वाले अजंता फार्मा कंपनी के बारे में। यहाँ पे ये कंपनी का स्पेसिफिक आपको टारगेट बताने वाली हूँ, साथ में आपको ये बताऊंगी इसके शेयर कहाँ पे को बाय करना, कहाँ पे आपको एंट्री बनानी है, कितना क्या टारगेट रखना, कितना सपोर्ट लेना है, कितना रेजिस्टेंस लेवल लेना है, लाइक और सारी चीजों के बात करें अच्छी वीडियो में। सो गाइस, एंड तक जरूर देखेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर अजंता फार्मा का परफॉर्मेंस देखिए आज के दिन, आज के दिन ये 3.70% ये अप गया है। देखा जाए तो क्लोजिंग कितने पे इसका हुआ है, 1,196.70 पे इसका क्लोजिंग हुआ है। देखा जाए पर शेयर के पीछे कितना, 36.75 रुपीज का रिटर्न दिया है। तो अच्छा खासा मोमेंटम था इसमें, इवन इसके फंडामेंटल्स भी देखे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग से अच्छा खासा मोमेंटम इसे मिल सकता है आने वाले टाइम में आपको। आज के दिन भी देखा कितना, 36 रुपीज से अप गया था आज ही के दिन। अच्छा खासा वॉल्यूम भी अच्छा खासा, अच्छा खासा डेफिनेटली रिटर्न मिला रहेगा जिसने भी इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखा रहेगा। बिकॉज ये जो शेयर है आपको FNO प्लस इंट्राडे पे आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ आप इसमें इक्विटी आप बाय सेल कर सकते हो। ओके, सो अगर आप इसको शॉर्ट टर्म के भी इन्वेस्टमेंट करोगे तो एक अच्छा खासा आपको इसमें रिटर्न आप कमा सकते हो। ओके, सो लाइक अगर यहाँ पे एनालिसिस भी करें, बहुत बार जो स्टॉक है बहुत सी जगह पे लाइक अपसाइड गया है, रिकवर किया है लॉस एंड देन नीचे भी आ गया है, जैसे कि मैं मार्क कर रही हूँ। तो फिलहाल देखा स्टॉक बहुत बार ये नीचे आ चुका है एंड अभी फिलहाल देखा जाए तो ये जो स्टॉक है अपसाइड जाने के इसके चांसेस ज्यादा हैं। सो अपसाइड मोमेंटम आपको मिल सकता है उसमें। ओके, सो आपको मैं स्पेसिफिक एक आपको एक एंट्री लॉक बताऊंगी, बट उसके पहले आपको एक छोटा मोटा आपको कैलकुलेशन करके बता देती हूँ। तो जैसे कि आपको पता ही है कि आज के 36 रुपीज ये अब गया है, तो चलो किसने भी लाइक 40 40 किसी के पास रहेंगे मल्टीप्लाई वो यहाँ पे 36 भी करें तो ओवरऑल इसने कितना रिटर्न दे दिया है, ओवरऑल जो इसने 1,440 का उसने रिटर्न दे दिया है। मींस कितना, 40 शेयर के पीछे एक ही दिन में। वही अगर आप 1 या 2 वीक के लिए अगर रखोगे, सोचो कितना आपको रिटर्न मिल सकता है। तो वो चीज अभी आपको ध्यान में रखनी है। कभी कभार ऐसे मार्केट डाउन होता है तो बहुत से निफ्टी के जो स्टॉक से नीचे गिर जाते हैं, बट ऐसे कभी होता है निफ्टी अगर अपसाइड ज्यादा तो उसके स्टॉक्स भी भागते हैं। इवन कंपनी के परफॉर्मेंस भी अच्छे रहते तो भी सभी स्टॉक लाइक परफॉर्म करते हैं। इवन अगर हम आज के निफ्टी का परफॉर्मेंस भी देखें, बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस देखें तो काफी ज्यादा अच्छा था। तो मेरा बोलने का मतलब यही है, मार्केट जिस तरीके से चलेगा उस तरीके से स्टॉक की परफॉर्मेंस करते हैं। इवन अगर अगर लाइक ये कम जैसे कि अजंता फार्मा से कुछ अगर ऑर्डर्स वगैरह कुछ मिल जाती है, कुछ गुड न्यूज निकल के आती है, सो इसके कारण भी शेयर प्राइस में मोमेंटम आते हैं। सो उस टाइम भी आप एक अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं। सो ये सारी चीजें देख के ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है। सो लाइक अगर इसको फंडामेंटल्स भी देखें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, कॉटेजेस भी इससे अच्छे खासे हैं, तो आप इसमें लगे आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओके, तो आपको मैं कल के दिन की आपको इसमें एंट्री लॉक बता दीजिए। ओके, सो जस्ट अ सेकेंड। यस, आई थिंक सो आपको पूरा चार्ट पूरा विजिबल होगा। तो आपको इसमें बाइंग पोजीशन आपको बनानी है कहाँ पे, 1,205 के आसपास आपको बाइंग पोजीशन आपको बनानी है। ओके, एंड रेजिस्टेंस मींस टारगेट कितने का रखना है आपको, 28 का रखना है, देन आपको 64 का आपको रखना है। आपको चार्ट पूरा विजिबल अगर नहीं होगा स्क्रीन पे तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, वहां पे टोटली लिखा हुआ है बाइंग कहाँ पे करना है, देन रेजिस्टेंस लेवल कितना लेना है, सपोर्ट कितने का लेना है। सपोर्ट आपको यहाँ पे लेना है 1,190 का, आपको सपोर्ट लेवल लेना है। ओके, सो ये तीनों चीज डिस्क्रिप्शन में लिखे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो आपको बाइंग पोजीशन आपको अच्छी तरीके से बनानी है। एंड यहाँ पे एक और चीज अगर देखा जाए, अगर प्रीवियसली अगर हम जुलाई का परफॉर्मेंस देखें, जुलाई के टाइम पे अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तभी के टाइम पे उस टाइम का बोल रहे हो। ओके, जिसने भी अगर आप यहाँ पे देखे तो बहुत बार ये कैंडल जो इस जगह पे घूम रहा था, जैसे इसने ब्रेकआउट दिया है ना, ये देखिए आप कहाँ आप देख रहे यहाँ पे 1,425 तक इसके ये शेयर गया है। ओके, एंड अभी देखे तो 1,205 के आसपास ये ट्रेड हो रहा है। अगर ये वापस ब्रेकआउट देगा इस सारे जो लाइन दिए, अगर ये ब्रेकआउट देता है तो डेफिनेटली ये यहाँ तक तो डेफिनेटली 1,200 लाइक 1,200 तक ये डेफिनेटली जाएगा। लाइक उसने क्रॉस भी कर दिया है लाइक जो भी मैं बोल रही हूँ 1,260 तक, वहां तक तो डेफिनेटली जाएगा। अगर वहां से ब्रेकआउट देता है अच्छा मोमेंटम मिलता है तो ये 1,400 तक जाएगा, ये उसके ऊपर तक भी जाने के चांसेस। ओके, सो आप इसको शॉर्ट टर्म के भी होल्डिंग करोगे तो अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा, अगर आप अच्छी खासी क्वांटिटी में होल्डिंग करोगे तो। ओके, सो आई थिंक सो के जो डाउट है क्लियर हो गए हैं। सो गाइस, बिल्कुल लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।